हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट जॉब पर। आज हम हरियाणा का एक मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर मैं टोटल आपको 20 क्वेश्चन कराऊंगी और 20 क्वेश्चन के साथ जितनी भी डिटेल बनती है वो सारी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग देखना कि आप लोगों को 20 में से कितने क्वेश्चन आते हैं। हरियाणा में करंट अफेयर की मैंने फरवरी, मार्च और अप्रैल की एक कंबाइन वीडियो अपलोड कर रखी है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लर्क का पेपर देने से पहले आप लोग वो वीडियो ज़रूर सुनना। अगर करंट अफेयर के क्वेश्चन पेपर में आएंगे तो एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा फरवरी, मार्च और अप्रैल का। बाकी जो मंथ रहे हैं वो भी मैं आपको जल्दी ही पूरे करवा दूंगी। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में एयर शटल सेवा की शुरुआत की गई है। अगर आपको आंसर पता है तो आप लोग अपने मन में सोच सकते हो और वीडियो ख़त्म होने के बाद मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन आते थे। तो एयर शटल सेवा की शुरुआत कहाँ की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा हिसार, यानी कि स्टील सिटी। स्टील सिटी के अंदर एयर शटल सेवा की शुरुआत की गई है। हिसार बना कब था, तो हिसार बना था 1 नवंबर 1966। गुजरी महल कहाँ पर है, हिसार में है। लाठ की मस्जिद कहाँ पर है, हिसार में है। ब्लू बर्ड झील कहाँ पर है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा हिसार। एशिया का सबसे बड़ा ऑटो मार्केट कहाँ पर है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा हिसार। दिल्ली सल्तनत का ताजमहल किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरी महल। गुजरी महल को बनवाया किसने था, तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। गुजरी महल का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। इसी को दिल्ली सल्तनत का ताजमहल कहा जाता है। अगर पूछा जाए हरियाणा का ताजमहल, तब आप दोगे शेख चिल्ली का मकबरा, जो कहाँ पर है, थानेसर कुरुक्षेत्र में है। नारनौल कहाँ पड़ेगा, नारनौल पड़ेगा महेंद्रगढ़ में। अम्बाला किस लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आम होते हैं। और करनाल, यहाँ पे सबसे ज़्यादा घोड़े होते हैं, सबसे ज़्यादा चावल होते हैं। हरियाणा का पेरिस भी किसे कहा जाता है, करनाल को। धान का कटोरा भी किसे कहा जाता है, करनाल को। कल्पना चावला जो एक महान अंतरिक्ष यात्री थी, उनका जन्म भी कहाँ हुआ था, करनाल में। तो जितने एडिशनल क्वेश्चन हैं वो सारे आपको याद रखने हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की डिटेल मैंने आगे दे रखी है, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। हरियाणा के हिसार जिले में राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर लाल ने पहली एयर शटल सेवा की शुरुआत की है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने यहाँ पर फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन का भी शुभारंभ किया है। अब ये है क्या शटल सेवा, इसमें मैंने यहाँ पे डिटेल में आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़ान लॉन्च कर दी है। इस योजना के तहत सिर्फ 1674 रुपये में और सिर्फ 45 मिनट में हिसार से लेके चंडीगढ़ तक पहुंच सकते हैं। यानी ये एक तरफा किराया है 1674 रुपये, लेकिन यहाँ पे टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगी। सिर्फ 45 मिनट में हिसार से लेके कहाँ पहुंच सकते हैं, चंडीगढ़ पहुंच सकते हैं। अभी जैसे हिसार से लेके दिल्ली और अन्य जगहों के लिए भी जल्द ही सर्विस स्टार्ट हो जाएगी, जैसे ही उनका जो काम है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी डिटेल याद रखनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जितना भी हो सके वीडियो को शेयर ज़रूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 7 सितंबर को बेंगलोर स्थित इसरो मुख्यालय में हरियाणा के कितने बच्चों ने चंद्रयान 2 की लैंडिंग देखी है। आप सभी को पता है चंद्रयान 2 जो मिशन था हमारा, तो यहाँ पे एक नाम आ रहा है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के अंदर इसरो का हेडक्वार्टर है। इसरो के वर्तमान में चेयरमैन कौन है, इसका आंसर हो जाएगा के शिवान जो है इसरो के वर्तमान में कौन है अध्यक्ष है, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में जरूर आएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 7 सितंबर को हरियाणा के कितने बच्चे गए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। इन्होंने चंद्रयान 2 की लैंडिंग देखी थी। अब ये 2 बच्चे कौन है, उनकी डिटेल हम देख लेते हैं। इन 2 बच्चों का नाम क्या है, तो इनका नाम है हरियाणा के सोनीपत जिले के अर्णव सैनी और पंचकुला की निष्ठा शर्मा। इन दोनों को 7 सितंबर 2019 में ये सौभाग्य मिला कि
कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चंद्रयान 2 की लैंडिंग देख सके। अब इन बच्चों का चयन कैसे हुआ? विज्ञान के प्रति लोगों की रुचि बरकरार रखने के लिए केंद्र सरकार ने 25 अगस्त को एक ऑनलाइन क्विज करवाई थी। उसमें हर राज्य से जिसने भी उस क्विज के अंदर टॉप किया था, उसमें पूरे देश में से प्रत्येक राज्य से केंद्र सरकार ने दो दो बच्चों का चयन किया था। यानी हरियाणा की तरफ से जो दो बच्चे गए थे वो थे अर्णव सैनी, जो कहाँ से थे, सोनीपत से, और एक थी निष्ठा शर्मा, जो कहाँ से थी, पंचकुला से। ठीक है, अब याद रखना आप इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलुरु में। मुझे कमेंट करके बताइए इसरो की स्थापना कब हुई थी और इसरो की स्थापना की किसने थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में महर्षि वाल्मीकि सम्मान के लिए कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? तो इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग मुझे बता सकते हो। इसका आंसर हो जाएगा 1.5 लाख रुपये। एक पुरस्कार राशि, अगर पीछे जो भी पेपर हुए हैं अगर आपने देखा होगा तो उसके अंदर एक पुरस्कार राशि पेपर के अंदर पूछी जा रही है। तो आप लोग जितने भी पुरस्कार हैं हरियाणा में इंपॉर्टेंट, उनकी सबकी राशि आप लोग याद करके जाना। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान के लिए कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 लाख रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक वाहन कॉन्क्लेव किस जगह आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर किसका नाम पड़ा था, गुरुग्राम, जहां पर सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। हरियाणा में दो ही नेशनल पार्क है, कलेसर और सुल्तानपुर। कलेसर पूछे तो यमुनानगर, सुल्तानपुर पूछे तो गुरुग्राम। ठीक है, और ये हरियाणा के गुरुग्राम में तीसरे अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक वाहन कॉन्क्लेव का आयोजन भी किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2019 के दौरान प्रदेश के कितने जिलों को मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2022 तक तो हरियाणा सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि 22 के 22 जिलों को मलेरिया मुक्त कर दिया जाए, लेकिन 2019-19 में कितने जिलों को मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9 जिले कौन कौन से हैं जिनको मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? एक तो जहां सबसे ज़्यादा आम होते हैं, यानी कि अंबाला, गुलाबी नगरी, फतेहाबाद, हरियाणा का दिल, जींद, नवग्रह कुंड कहां पर है, कैथल में, सबसे ज़्यादा घोड़े कहां पर है, करनाल में, धर्म नगरी, कुरुक्षेत्र, सबसे ज़्यादा सरसों और खनिज होते हैं महेंद्रगढ़ में, और वीरों का शहर रेवाड़ी जिसको पित्तल नगरी भी बोलते हैं, और एजुकेशन सिटी सोनीपत। इन सब को 2019 में मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है और 2022 तक पूर्ण रूप से मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है, यानी पूरे हरियाणा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों को 80 से बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है, यानी कितनी और नगर पालिकाएँ बनाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6, यानी 80 से बढ़ाकर टोटल कितनी कर दी गई है, 86। ये डिटेल मैंने यहाँ पे लिख दी है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के शहरों में रहने वाले गरीब लोगों की आजीविका बढ़ाकर उनका जीवन स्तर ऊपर उठाने के उद्देश्य से अब नगर पालिकाओं की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 86, और 6 नगर पालिकाएँ कहाँ कहाँ पर है, सढ़ोरा, इस्माइलबाद, जाखल मंडी, कुंडली, CIA और बास, इन सब के अंदर 6 और नई नगर पालिकाएँ बनेगी। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने किस मंत्रालय के साथ समर्थ योजना के लिए एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये भी याद रखना, MOU की फुल फॉर्म होती है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कपड़ा मंत्रालय, केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के साथ उन्होंने ये MOU साइन किए हैं। हरियाणा सहित टोटल 16 और राज्यों ने भी ये MOU साइन किए हैं। किस योजना के लिए? समर्थ योजना में। इस योजना में क्या होगा? टोटल 4 लाख लोगों को कौशल प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने हिसार के विश्व बंसल के साथ सॉफ्टवेयर रिसर्च एक्सपर्ट के लिए 6 साल का करार किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जर्मनी। जर्मनी ने ये करार किया है। अब जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। जर्मनी की करेंसी क्या है? यूरो। जर्मनी से मैं एक क्वेश्चन और बताती हूँ, आपको पता है हमारे देश के अंदर आपातकाल का प्रावधान है। आपातकाल 3 प्रकार का लग सकता है, एक लग सकता है राष्ट्रीय आपातकाल, एक लगता है राष्ट्रपति आपातकाल या राष्ट्रपति शासन, एक लगता है वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन संविधान के किस आर्टिकल में? 352 में। राष्ट्रपति शासन का 356 में, और वित्तीय आपातकाल का 360 में। तो ये आपातकाल का जो प्रावधान है हमने लिया कहाँ से हुआ है? ये जर्मनी से लिया हुआ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब तक कौन सा आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है भारत में? तो वो हो जाएगा वित्तीय आपातकाल, अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। हरियाणा में टोटल राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाए? 3 बार लगाए, 1967 में, 1977 में और 1991 में।
हरियाणा में टोटल 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, मैंने तीनों बता दिए। अब ये जर्मनी ने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया है उसका वर्णन यहाँ पर है। जर्मनी ने हिसार जिले के निवासी ऋषभ बंसल के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया है। उन्होंने ऋषभ बंसल के साथ यह करार सुरक्षित कम्युनिकेशन प्रणाली तैयार करने के लिए किया गया है। जर्मनी जो है, जर्मनी एरोस्पेस सेंटर 2022 तक बृहस्पति ग्रह पर सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, हरियाणा पुलिस की इंस्पेक्टर निर्मला ने चीन में आयोजित विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2019 में कौन सा पदक जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। ठीक है, कितने किलो कैटेगरी में जीता है ये, 53 किलोग्राम कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे जो कुछ क्वेश्चन है वो भी हरियाणा जीके से रिलेटेड है, लेकिन स्टैटिक क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखने हैं। वो सारे के सारे न्यू क्वेश्चन थे, आप लोगों को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दिए हैं। अब ये सारे स्टैटिक क्वेश्चन हैं, जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले सीएम का जन्म कहाँ हुआ था। तो हरियाणा के पहले सीएम का नाम क्या है, पंडित भगवत दयाल शर्मा। उनका जन्म कहाँ हुआ था, बेरी झज्जर में। झज्जर में दो प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य है, भिंडावास और खापरवास। ठीक है, हरियाणा के राजकीय पुष्प का साइंटिफिक नेम क्या है, तो हरियाणा का राजकीय पुष्प कौन सा है, कमल। उसका साइंटिफिक नेम क्या है, नेलम्बो न्यूसीफेरा, लास्ट में ये फेरा है, नेलम्बो न्यूसीफेरा, ये आपको याद रखना है। 1975 में हरियाणा में कितने जिले बने, तो इसका आंसर हो जाएगा एक। 1975 में कौन सा बना था, वन नगरी सिरसा। सबसे ज़्यादा वन पूछे तो आंसर होगा आपका पंचकुला, लेकिन अगर वन नगरी पूछे तो अबूब शहर के कारण किसे जाना जाता है, सिरसा को। 1956 में भारत में कितने राज्य बनाए गए थे, तो 1956 में भारत में कितने राज्य बने थे, 14। यूटी कितने बने थे, 6। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश कितने बने थे, 6 बने थे। उसके बाद है, भारत का पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ, यानी पंजाब पुनर्गठन एक्ट कब आया था, तो ये आया था सितंबर 1966 में। नेक्स्ट है, भारत में किसी भी राज्य की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इसका आंसर हो जाएगा शन्नो देवी। भीमेश्वरी देवी मंदिर कहाँ पर है, तो बेरी झज्जर में, जहाँ पर हरियाणा के पहले सीएम पंडित भगवत दयाल शर्मा का जन्म हुआ था। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, बरगद। और हरियाणा का राजकीय वृक्ष, हरियाणा का वृक्ष पूछा जाए हमसे, तो इसका आंसर हो जाएगा पिपल। हरियाणा का वृक्ष कौन सा है, राजकीय वृक्ष कौन सा है हमारा, पिपल। पिपल का साइंटिफिक नेम पूछे तो आंसर आएगा आपका फिगल रेलिगोसा, ये आपको साइंटिफिक नेम दोनों याद रखने हैं। अगर राजकीय वृक्ष का पूछे तो फिगल रेलिगोसा, अगर राजकीय पुष्प का पूछे तो नेलम्बो न्यूसी फेरा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को ऑलरेडी कितने क्वेश्चन आते थे। इस प्रकार के अगर आपको और वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।